अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप मेरे सब दोस्त फैमिली भाई बेटियाँ। आज मैं अपना एक नया चैनल खोल रही हूँ, मीना कुकिंग व्लॉग। आज मैं आपको कच्चे कीमे के पराठे बनाने सिखाऊंगी। कच्चे कीमे के लिए आपको पहले आटा गूंद के रखना है। आटा गूंद के एक साइड पे कर ले। अब कीमा लें, कीमा बारीक मशीन का डबल निकालना है। इसके बाद आपने नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया, अजवाइन, गरम मसाला और उसके बाद प्याज लेना है। प्याज को आपने चॉप करना है, जैसे आप आमलेट में डालते हैं इसी तरह आपने प्याज को चॉप करना है। चॉप करके उसको कपड़े में डाल के अच्छी तरह निचोड़ लेना है ताकि उसके उसमें पानी ना हो। अगर पानी होगा तो वो कीमे में पानी छोड़ देगा और रोटी उसका पराठा अच्छी तरह नहीं पकेगा। प्याज को अच्छी तरह निचोड़ के आप इसमें डाल देना है। फिर हरा धनिया काट के वो डालना है, अदरक लहसुन को कूट के वो डालना है और धनिया डालना बारीक करके, ठीक है। अब आपने उसमें एक अंडा डालना। तकरीबन ये एक किलो कीमे का मैं आपको तरीका बता रही हूँ। आपने इसको सब चीज़ों को डाल के कीमे में अच्छी तरह आपने मैश कर लेना है, अच्छी तरह मिक्स कर लेना। उसके बाद आप एक छोटी सी टिक्की बना के तवे पे या फ्राई पैन में डाल के उसको आप देखें कि नमक सही है, जिस चीज़ की कमी पेशी हो नमक की मिर्च की वो आप डाल के आप उसको अच्छी तरह मैश करके रख लें, ठीक है। अब आपने आटा जो गूंदा हुआ था उसके आपने ऐसे पेड़े बना के रख लेने हैं। पेड़े बना के रख के उसको फिर आपने इस तरह बेल लेना है, ठीक है। ये एक पराठे का है, दो दो छोटे छोटे पेड़ों का एक पराठा आपने ऐसे आपने बेल के अपने चम्मच की मदद से आपने इसको इसके ऊपर डालना है। आपका जितना दिल करे आप इस पर डाल सकते हैं। हल्के हल्के हाथों से आपने इसको स्प्रेड कर लेना है, ठीक है। ये आपने इस तरह स्प्रेड कर लेना, ओके। किनारे इसके होने चाहिए, क्योंकि किनारे खाली हों तो पराठा अच्छा नहीं लगता। थोड़ा थोड़ा सा आपने स्पेस छोड़ देना ताकि इसकी बाइंडिंग हो सके, ठीक। ये थोड़ा सा और डालो, मुझे थोड़ा लग रहा है क्योंकि मुझे भरे हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन इतने भी ओवर ना हो के वो सही बने ही ना। अब आपने इसको अच्छी तरह पिला के इसको हल्के हाथ से यूँ प्रेस कर लेना है, ठीक है। ऐसे प्रेस करके उसके बाद आपने इस रोटी को, दूसरी रोटी को आपने उसके ऊपर डाल देना है, ठीक। ये डाल के ये साइडों से एक जो है इसको आपने फिंगर के साथ उंगली के साथ हल्के हल्के हाथ आपने इसको प्रेस करना है। ऐसे प्रेस करके फिर आपने खुशका लेना है, खुशका खुशका लेके इसको हल्के हाथ से उठाना है। पहले एक साइड पे खुशका लगाएं, फिर दूसरी साइड से लगाएं ताकि रोटी चमड़े ना, हाथ से भी ना लगे और मेज भी ना लगे। फिर हाथों की इन चीज़ों से ये किनारे आपने दबाने हैं और इस हाथ से ये दरमियान वाली चीज़ को आपने करना है। ये देखें ऐसे ऐसे करके, ये देखें ये इन चीज़ों से ये चीज़ भी जाएगी और इन चीज़ों से ये चीज़ होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे ये घुमाते जाएं, ये घुमाते जाएं, ओके। अब आपने इसको हल्के हाथ से बेल लेना है। अब तवा जो आपने चूल्हे के ऊपर रख दिया, नीचे आग जलाई हुई है और हल्की आग पे जब आपका ये ऐसे बेलने लगे तो चूल्हा तेज़ कर लें ताकि तवा जो है अच्छी तरह गर्म हो जाए। हल्के हाथ से करना है। अब इसको आपने दूसरी साइड पे भी पलट लेना है, इसलिए भी हल्के हाथ से इस तरह करना है कि इसके किनारे भी पतले होने चाहिए और दरमियान में से भी ये चीज़ पतली होनी चाहिए और जो कीमा ये इसे करने से स्प्रेड हो जाता है। इसमें जो अंडा डाला होता है वो डालने से ये कीमा इकट्ठा नहीं होता, वो जैसे आप फैला होता हीट से वो वैसे का वैसा ही रहेगा। अगर आप आटा नहीं अंडा नहीं डालेंगे तो वो गुठलियाँ सी बांधे को इधर बन जाएगा, वो पैचेस बन जाते हैं, ठीक है। अंडा डालने से बाइंड हो जाता है। अब मैं ये रोटी उठाने लगी हूँ और इस